हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं हैंकी सारी टॉकिंग वीडियो बनाने वाली हूँ, जो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने फ्रेंडों तक पहुँचाने की जवाबदारी भी आपकी है इस वीडियो की। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना फर्स्ट स्टेप शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है एकदम सादा और सिंपल। अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी टक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम हमारे हैंड को टक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें इसको थोड़ा सा छिपा के रखना है, इस तरीके से सामने नहीं रखना है, तो इसी हैंकी को हम निकाल के और यहाँ पर भी रख कर सकते हैं। देखिए, और देखिए कवर भी हो गया, दिख भी नहीं रहा है, और एकदम सेफ भी है, और हमारे हैंड भी एकदम फ्री है। ठीक है, आती है होंगे चलो। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। तो बहुत सिंपल है ये भी। हम इसको हैंकी को इस तरीके से करके और इसको इस तरीके से भी यहाँ पे ऐसे टक कर सकते हैं, और हमारा हैंकी भी एकदम सेफ है, और हमारे हाथ भी एकदम फ्री है। इसके साथ भी वही है, अगर हमें इसको यहाँ नहीं लगाना है कि ओपन दिख रहा है, तो इसको भी हम निकाल के और इस तरीके से वहाँ पर टक कर सकते हैं। ये देखिए, कवर अप हो गया। ठीक है, अब बारी आती है तीसरे स्टेप की। जो हमारे तीसरा स्टेप है, तो उसके लिए हमें हैंकी को इस तरीके से कर लेना है। देखिए ऐसे, और ऐसे करना है इस तरीके से, और यहाँ से भी हमें इस तरीके से ऐसे करना है। देखिए हो गया, और इसको भी हमें इस तरीके से यहाँ टक कर देना है। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना, और यहाँ पे भी हमारे हाथ एकदम फ्री है। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं, तो वही स्टेप है, इसको यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। जैसा स्टेप अभी हमने बनाया था, उसी को हम इस तरीके से थोड़ा सा चेंज है, और इसको इस तरीके से हमें अंदर कर लेना है। ये देखिए, और इसको भी हमें इस तरीके से एक कॉन की तरह इसका शेप दे देना है हमें। कॉन है, शंख है, कुछ भी समझ लो इसको, और इसको इस तरीके से भी हम यहाँ पर टक कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना इस तरीके से। आपको कौन सा स्टेप पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। एक और स्टेप है इस तरीके से, ये भी एकदम सिंपल है। हमें इस तरीके से एंट्री को कर लेना है। ठीक, और इसको भी हम ऐसे टक कर सकते हैं। अब बारी आती है फिफ्थ स्टेप की। तो वो हम एकदम सादा सिंपल भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम हैंकी को ऐसे कर लेंगे। देखिए, एकदम नॉर्मल तरीके से इसे हम कैसे भी टक कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर हमें इसको ऐसे टक नहीं करना है, इसे हम निकाल के और इस तरीके से भी टक कर सकते हैं। ये देखिए, अब आती है बारी सिक्स स्टेप की। ये सिक्स स्टेप की बारी। तो एकदम इस तरीके से हमें हमारे हैंकी को पकड़ना है, और इस तरीके से, ये देखिए है ना, एकदम सिंपल और सुंदर। और बस इसे हमें इस तरीके से यहाँ पर टक कर देना। ये देखिए, तो अब आती है बारी सेवेंथ स्टेप की। अब हम सेवेंथ स्टेप में इसको करेंगे। ये भी एकदम सिंपल है। हमें इस तरीके से इसके ऐसे दोनों कोनों को पकड़ लेना है इस तरीके से, और
इस तरीके से इसको आराम से यहाँ पर टक कर देना। अब ऐप स्टेप है जो वो एकदम थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हमारा हैंकी गायब हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा जादू करने वाले हैं हम हमारे हैंकी के साथ। तो हमें हमारे हैंकी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, यूँ, ये देखिए इस तरीके से बहुत छोटा सा हो गया है। और हमें इस तरीके से हमारी साड़ी को इस तरीके से करते हुए हमारे हैंकी को हम इस तरीके से रख लेना है। देखिए हो गया ना जादू, रुमाल है भी नहीं हमारे पास और है भी, तो इस तरीके से भी हम हमारे हैंकी को वेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको कौन सी स्टेप अच्छी लगी हैंकी टैपिंग की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सचमुच वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय।